नमस्कार दोस्तों, अभी हम बैक पैनल चेंज करेंगे Redmi Note 10 S का। तो कृपया ध्यान से देखिए इसका बैक पैनल कैसे चेंज है। अभी हम पहले पुराने बैक पैनल को रिमूव कर रहे हैं। किसी भी पतले से टूल के साथ हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बड़े ध्यान से करना है कि इसके अंदर एंटीना वायर होती कहीं वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए बहुत प्यार से और बिल्कुल तरीके से इसको हमने खोलना है और इस तरह से हम इसको बैक को रिमूव कर लेंगे। जब हमारा बैक रिमूव हो जाएगा तो साइड पे जो ग्लू है हमको उसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से। वो इसलिए करना है कि जब हम उसको नया बैक लगाएंगे तो अच्छे तरीके से फिट बैठ सके, ये ना कहीं से वो ऊँचा नीचा रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसको अच्छी तरह हम ग्लू को रिमूव कर लेंगे। जब वो ग्लू रिमूव हो जाएगा तो हम नया वाला बैक पैनल जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे। तब तक हम इसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो आप देखते रहिए हम कैसे साफ़ करेंगे इसको। ये हमारा ग्लू अच्छे तरीके से साफ हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे इसका नया वाला बैक पैनल कैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब कहीं ब्रेक श्रेक हो जाए बैक पैनल तो फ़ोन की लुक में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको रिमूव करके नया बैक पैनल लगा सकते हैं। इस तरीके से साफ़ हो गया हमारा पूरा ग्लू। अब देख रहे हैं अच्छी तरह साफ़ हो गया। अब नए पैनल पर हम साइडों पर ग्लू लगाएंगे। ये सिलिकॉन ग्लू होता है, हमें नॉर्मल ग्लू एल्फी से नहीं चिपकाना, स्पेशल इसी के लिए बैक पैनल और डिस्प्ले के लिए ग्लू आता है, उसी ग्लू को चूज़ करना है हमने। अदरवाइज़ हम किसी एल्फी से चिपका देंगे तो बाद में खुलेगा नहीं, तो हमारा सेट का बैक पूरी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमने उसको चिपका लेना है अच्छी तरीके से, देख कर साइडों की बिल्कुल बराबर फिटिंग में आए। उसके बाद हमें कुछ रबड़ बैंड्स लेने हैं जो इसके ऊपर लगा देने हैं। ये तब तक लगे रहने दें जब तक ग्लू सूखे ना। आपको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा इसको रबर बैंड को लगे रहने देना है, जिससे कि अच्छी तरह ग्लू सूख जाए और हमारे फ़ोन की जो बैक पैनल है वो प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। इस तरह से हमें रबर लगाने हैं और रबर अच्छी तरह से कस के लगाने हैं कि बैक पैनल अच्छी तरह से जो फिट हो जाए हमारा। रबर अगर हम ढीला लगाएंगे तो बैक पैनल अच्छी तरह फिट नहीं होगा, वो खुल सकता है। इसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से लगाना है रबर को, इस साइड से ऊपर से नीचे और साइड पे इस साइड से रबर लगाने हैं। 4 रबर, हम 4 से 3 रबर नीचे लगा सकते हैं और ऊपर से हमें 2 रबर लगाने हैं। इस तरह से हम इसको फिट कर देंगे और इस तरह से हमारा बैक पैनल नया अप्लाई हो जाएगा और पुराना हम इसको रिमूव करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।